नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? और मेरा ये जो टॉपिक है जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है। यदि आपने सेक्शन 8 कंपनी बना ली है तो उसके क्या कंप्लायंसेस हैं, आप उन्हें किस तरीके से पूरा करेंगे, किस प्रकार उन्हें पूरा करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, क्या क्या एग्जम्पशंस हैं प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड को लेकर सेक्शन 8 के तहत। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं कि सेक्शन 8 कंपनी इसकी कंप्लायंसेस क्या होती है, एनुअल कंप्लायंसेस क्या होती है, पीरियडिक कंप्लायंसेस क्या होती है, किस तरीके की एग्जेम्पशंस होती हैं उसे बाकी सारी कंपनीज के एवज में, और किस तरीके से वो हमें पूरी प्रॉपरली कंप्लायंसेस फॉलो करनी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर करने हैं। अदरवाइज हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबाएं। एंड दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि हाँ जी किस तरीके से सेक्शन 8 कंपनीज के कंप्लायंसेस होते हैं, पीरियोडिक, एनुअल, और किस तरीके से वो बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो को कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं माना जाना चाहिए और इस वीडियो को किसी भी फॉर्म में सिर्फ एक ट्यूटोरियल के फॉर्म में ही लिया जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। Do subscribe our channel and hit the bell button. Bell button is next to red subscribe button. Thank you. तो एनुअल कंप्लायंसेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 8 कंपनी के। तो एनुअल कंप्लायंसेस क्या क्या हो सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी के, आइए जानते हैं। सेक्शन वाइज बात करेंगे हम, और रजिस्टर वाइज और सीरियल नंबर वाइज, और हम उसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो पहला है सेक्शन 88 के हिसाब से, 88 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, देखिए मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कंपनी विल मेंटेन फॉलोइंग मैंडेटरी रजिस्टर, कंपनी को मेंटेन करने हैं ये रजिस्टर। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर है, डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग का रजिस्टर, मेंबर्स रजिस्टर ऑफ लोन, मेंबर्स ने कितने लोन लिए हैं, गारंटी कितनी ली है, कितने इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनीज, कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, और रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटेड पार्टीज। तो ये रजिस्टर मेंटेन करने तो बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है सेक्शन 92 जो कि कहता है MGT 7 फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, क्या होता है MGT 7 में, आइए बताता हूँ। एवरी कंपनी विल फाइल इट्स एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के 60 दिन के अंदर अंदर उसको एनुअल रिटर्न भरनी है। अगर देखा जाए हाउएवर, एनुअल रिटर्न विल बी द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड लिया जाता है। तो MGT 7 भी भरना जरूरी है, ये कंप्लायंस होने जरूरी है सेक्शन 8 कंपनी के। सेक्शन 92 बोलता है MGT 8 के बारे में, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। देखिए एवरी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर और टर्न ओवर ऑफ ₹50 करोड़ मोर शेल बी सर्टिफाइड बाई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। देखिए अगर कंपनी का इतना शेयर ऑफ कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है या 10 करोड़ से ज़्यादा है, या टर्न ओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो कंपनी सेक्रेटरी जो भी प्रैक्टिस में होगा वो इसे सर्टिफाई करेगा MGT 8 को, जो कि होता है सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेक्शन 92 और क्या कहता है, PCS ने साइन करने हैं एनुअल रिटर्न को, शुड बी साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। 101 सेक्शन क्या कहता है, और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से नोटिस ऑफ AGM, AGM का नोटिस कैसा जाएगा, AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग का। देखिए हर कोई नोटिस जो कि एनुअल जनरल मीटिंग का होगा वो प्रिपेयर होगा सेक्शन 101 के तहत, और 101 के तहत ही वो काम करेगा, और कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से वो जाएगा। हाउएवर नोटिस एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग पहुंच जाना चाहिए इसके लोगों के पास, अगर आपने मीटिंग करनी है तो। 101 सेक्शन और क्या करता है, कैसे सेंड किया जाएगा, विल बी सेंड टू ऑल डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स को जाएगा, सारे मेंबर्स को जाएगा, स्टैचुटरी ऑडिटर को जाएगा, सेक्रेटरियल ऑडिटर को जाएगा, और अगर कोई डिबेंचर ट्रस्टी है तो उसको भी जाएगा। अब आइए बात करते हैं और कंप्लायंसेस के बारे में। सेक्शन 134 क्या कहता है, देखिए डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी सेक्शन 8 कंपनी की, डायरेक्टर रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड मेंशन ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन, अगर मैं बोलूँ सारी इन्फॉर्मेशन होंगी 134 सेक्शन के हिसाब से, और साइन होना चाहिए चेयरपर्सन जो कि ऑथराइज होगा बोर्ड में, और अगर वो नहीं है तो ऑथराइज होगा कोई भी दो डायरेक्टर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स के तौर पे हों, मतलब उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए और कोई भी दो डायरेक्टर उसे साइन कर सकते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट को। 136 क्या बोलता है, देखिए 136 बोलता है सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। अगर बोलूँ कंपनी विल सेंड टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को कंपनी अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट,
एटलीस्ट 14 दिन पहले भेजेगी किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग से पहले। सेक्शन 137 क्या कहता है एओसी 4 के बारे में, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइलिंग करना। कंपनी को रिक्वायर है कि हाँ जी जो भी सेक्शन 8 कंपनी है उसको बैलेंस शीट फाइल करनी है विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, कैश फ्लो के साथ और डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ। देखिए 139 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑडिटर फॉर्म ADT 1 बन जाएगा ऑडिटर का, और ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड फॉर द 5 ईयर एंड फॉर्म ADT 1 विल बी फाइल्ड फॉर द 5th ईयर अपॉइंटमेंट। देखिए 5th ईयर तक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। आफ्टर दैट हर साल AGM में शेयर होल्डर रेटिफाई करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट हुआ ऑडिटर का वो हो गया है, बट हर साल ADT 1 भरना ज़रूरी नहीं है, तो ये कंप्लायंस होने ज़रूरी है। अब और बात जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए 164 क्या कहते हैं, DIR 8 भरा जाएगा हर डायरेक्टर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में, अपनी कंपनी का डिस्क्लोजर देगा कि कहीं वो नॉन डिस मतलब डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, और वो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए कि हाँ जी वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। 173 क्या कहता है, हर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ 2 मीटिंग्स करनी ज़रूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हर साल में, और मेंबर्स अगर इस मैनर में होनी चाहिए कि एटलीस्ट 1 मीटिंग लास्ट हर 6 मंथ्स में होनी चाहिए, ये पूरा प्रॉपरली फॉलो होगा। 179(3) क्या बोलता है, MGT 14 भरना जरूरी है, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल्स एंड डायरेक्टर रिपोर्ट, मतलब जो भी फाइनेंशियल आपके बने हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और डायरेक्टर रिपोर्ट उसकी एक तरीके से लगेगी। कंपनी विल फाइल MGT 14, अपना बोर्ड रेजोल्यूशन भी जाएगा विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये जाना जरूरी है। अब 184(1) क्या बोलता है, सेक्शन फॉर्म MBP 1 बन जाएगा, हर कंपनी का डायरेक्टर जो भी उस कंपनी में डायरेक्टर है अगर मैं बोलूँ तो उसको एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फर्स्ट मीटिंग होगी फाइनेंशियल ईयर डिस्क्लोज करेगा, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा किसी एंटिटीज में अगर उसका कोई इंटरेस्ट बना हुआ है तो। और अगर बोलूँ फर्दर एवरी डायरेक्टर, हर कोई डायरेक्टर को सबमिट करना है MBP 1, चाहे वो चेंज कर रहा है अपना इंटरेस्ट या नहीं कर रहा है, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूँ सेक्शन 8 कंपनीज के इतने सारे प्रोविज़न तो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी बना रखी है, एनुअल कंप्लाइंसेस आप पूरे करेंगे। देखिए रजिस्टर मेंटेन करने ज़रूरी है, MGT 7 जाना ज़रूरी है, MGT 8 जाना ज़रूरी है, साइन होना MGT 8 का एनुअल रिटर्न का ज़रूरी है, नोटिस AGM का जाना 14 दिन पहले ज़रूरी है, सेंडिंग ज़रूरी है, ठीक है, किन किन लोगों को, डायरेक्टर्स मेंबर्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स सेक्रेटरी ऑडिटर्स सबको, डायरेक्टर रिपोर्ट जानी जरूरी है, डायरेक्टर रिपोर्ट भी सेक्शन 134 के हिसाब से जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चेयरपर्सन के साइन होने चाहिए या 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, 2 में से 1 डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, सर्कुलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सब तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट आए, कंसोलिडेटेड आए और डायरेक्टर रिपोर्ट आए, ऑडिटर रिपोर्ट आए, 14 दिन पहले ये सारी चीज़ें भेजनी है AGM से पहले पहले। AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट फाइल होनी है AOC 4 में, वो भी प्रॉपरली होनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होना है 5 साल के लिए, अगर हो गया है तो हर साल ADT 1 फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बोर्ड मीटिंग करनी ज़रूरी है, बोर्ड मीटिंग क्या इस तरीके से करनी है, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ 2 मीटिंग्स, 2 मीटिंग तो होनी चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर में, और 2 मीटिंग के बीच में एटलीस्ट 1 मीटिंग 6 मंथ्स में हो जानी चाहिए। MGT 14 फाइल होएगा तो अडॉप्शन पूरी प्रॉपरली होगा, 30 डेज के अंडर अंडर होगा बोर्ड मीटिंग के जितनी भी होगी उसके अंडर अंडर। एवरी डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा MBP 1 में। तो ये तो रहा सेक्रेटरियल एस्पेक्ट, हाँ जी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या एस्पेक्ट था सेक्शन 8 कंपनी अगर आप बनाते हो तो क्या क्या कंप्लायंस उसको फॉलो अप करने हैं। अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है टैक्सेशन रिलेटेड कंप्लायंस। अगर आपने 12A और 80G ले रखा है इनकम टैक्स का तो क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए 12A होता क्या है, इनकम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड इफ NGO और सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड है 12A के अंदर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ये 12A का। 80G क्या बोलता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑब्टेन्ड, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेशन ले रखा है 80G इनकम टैक्स का, तो डोनर्स जो भी बंदे डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं NGO को या सेक्शन 8 कंपनी को, तो अपना जो भी डोनर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं एग्जम्पशन, वो जो पैसा उन्होंने दिया उसकी एवज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 12A और 80G, कब कर सकता है, देखिए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 12A 80G अप्लाई जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ NGO और सेक्शन 8 कंपनी।
देखिए, वेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं इसमें। कैन बोथ द एप्लीकेशन अंडर बी अप्लाइड टुगेदर? हाँ जी, एक साथ अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। व्हाट आर द फॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन? देखिए, फॉर्म 10A जाता है और 10G जाता है, तो ये फॉर्म जाते हैं। प्री रिक्विजिट क्या होते हैं 80G को लेने के लिए? देखिए, NGO या सेक्शन 8 शुड नॉट हैव एनी इनकम विच इज नॉट एग्जेम्प्टेड। फॉर इंस्टेंस, अगर उसकी बिजनेस इनकम है तो वो एक तरीके से बिजनेस इनकम शुड मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी, और डोनेशन जो है वो डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए किसी और अकाउंट में, और पर्पस ऑफ बिजनेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उस डोनेशन में। बायलॉज जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे NGO के, वो कंटेन करेंगे सारे प्रोविजंस को, और अच्छी तरीके से प्रॉपरली चैरिटेबल पर्पस के लिए ही बने रहने चाहिए। NGO या सेक्शन 8 कंपनी शुड नॉट वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कमिटी। मतलब जो भी काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए काम किया है, अदरवाइज उसको सेक्शन 80G के मतलब परक्विजिट्स मिलेंगे नहीं, अगर मैं बोलूँ तो क्लियरली। NGO शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विद सेक्शन 8 कंपनी और प्रॉपरली अंडर कंपनीज एक्ट। देखिए, सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉपरली होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो देखिए, ड्यूली फॉर 10A जाना चाहिए, 10G जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जाएगा, MOA जाएगा, ठीक है, NOC लैंडलॉर्ड की जाएगी, पेन कॉपी जाएगी सेक्शन 8 कंपनी की या NGO की, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, वाटर बिल, और वो सारी चीज़ों में से इसमें से एक आप दे सकते हो। एविडेंस ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज जाएंगी, जितने भी आपने वेलफेयर किया है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी, लास्ट 3 ईयर्स की जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट जाएगी, बैलेंस शीट ITR जाएगी, जब से आपकी NGO या सेक्शन 8 बनी है 3 साल की तब तक, लिस्ट ऑफ डोनर जाएगी पैन नंबर के साथ, लिस्ट ऑफ बोर्ड जाएगी, डीड ऑफ वेरिफिकेशन जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। RBI रिलेटेड अगर कंप्लायंसेज में बताऊँ क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, सेक्शन 8 कंपनी के लिए अगर आपने पैसा लिया है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फ्रॉम ए फॉरनर, अगर किसी फॉरनर ने इन्वेस्टमेंट करी है पैसे देके, तो विद इन 30 डेज रिसिप्ट ऑफ मनी, आपने जो मनी ली है फॉरेन इन्वेस्टर से, इंडियन कंपनी को वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी रीजनल ऑफिस, जो भी होगा RBI का, जो भी आपके जुरिसडिक्शन में पड़ता होगा, वहाँ जाके रिपोर्ट देनी पड़ेगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर देना पड़ेगा, जो भी फंड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट, जो भी फंड्स आए हैं रुपी के इक्विवेलेंट में, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑथराइज डीलर बैंक देना पड़ेगा, पूरी डिटेल्स होती है, FIRC देनी पड़ेगी, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल देनी पड़ेगी, ठीक है, क्या आपने फॉर्म फाइल कर दिया FCGPR ने, नहीं किया, क्या आपने इशू किया शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर को FCGPR के थ्रू, शुड बी फाइल विद द रीजनल ऑफिस या करे या नहीं करे, सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी एक्सेप्टिंग इन्वेस्टमेंट, क्या हाँ जी आपने जो सर्टिफिकेट लिया है, एक्सेप्ट किया है इन्फॉर्मेशन, वो मनी एक तरीके से वो आपने दिया है NRI को या नहीं दिया है, ऑल द रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट की आपने पूरी करी है या नहीं करी है, वो सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी RBI को। टर्म्स एंड कंडीशन देनी पड़ेंगी गवर्नमेंट अप्रूवल की, अगर कोई कंप्लाई करी है तो, कंपनी ने अगर कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनाया है और ऑथराइज डीलर ने वो सर्टिफिकेट दिया तो वो भी दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो इंडिकेट किया है कि हाँ जी जो प्राइस था शेयर्स का वो प्रॉपरली निकाला गया था, उसका सर्टिफिकेट जाएगा। अब एग्जम्पशंस क्या क्या है मैं बता देता हूँ सेक्शन 8 कंपनीज के लिए, एग्जम्पशन अंडर दीज आर अप्लीकेबल, अगर मैं बताऊँ कुछ एग्जम्पशंस हैं एस अगर कंपेयर करते हैं हम पब्लिक या प्राइवेट से, तो जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आई थी सेक्शन 8 की वो June 5, 2015 में आई थी, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन थी, क्या कहती है जी, कंपनी सेक्रेटरी को एग्जम्पशन है, आपको सेक्शन 8 कंपनी में एग्जम्प्टेड है, तो बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया है। अगर डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड बताऊँ तो ये है, AGM की डेफिनेशन ये है, आप पॉज करके देख सकते हो, नोटिस ऑफ मीटिंग वगैरह सारी, बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, आप इसको देख सकते हो आराम से, सेक्शन 8 के लिए बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, आप इसको पॉज करके सारी डिटेल्स को देख सकते हो, इवन सारी डिटेल्स को पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से, और पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप मुझे बता सकते हो। देयरफॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अमेंडमेंट्स दी थी प्रिंसिपल 2017 में June 13 में, जो कि ये थी, कंपनी टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो सारी चीज़ें दी है, एग्जम्पशन दी हुई है सेक्शन 8 कंपनीज को, लोन दिए के लिए एग्जम्पशन दी हुई है, प्रोवाइडेड दैट लोन क्या क्या हो सकता है, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कोई कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है क्या, प्रोवाइड दैट नथिंग कंटेन इन द सेक्शन शैल अप्लाई टू ए कंपनी इन विच 60%, अगर मैं बोलूँ तो आराम से इसमें डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक है, सारी चीज़ों की डिटेल दी हुई है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। एग्जम्पशंस भी दी हुई हैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड और सेक्शन 8 की, वो भी डेट वाइज दी हुई हैं, आप पॉज करके वो भी देख सकते हैं,
अगर आप पॉज करके देखना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पॉज करके, और सेक्शन 8 कंपनी की सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि क्या क्या एग्जम्पशंस हैं, क्या क्या नोटिफिकेशंस हैं, किस हिसाब से ली गई हैं, क्या क्या चीज़ों पर ली गई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं आप पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और सेक्शन 8 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो सेक्शन 8 कंपनी को लेकर, क्या कंप्लायंस है, कैसे एग्जामिशंस लेनी है, क्या चीज़ें होती हैं, तो कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं।